है तो गिना जी यहाँ पे कैसे प्रकट हुए, कई सारे लीलाएं हैं गिना जी, यहाँ इस धरातल पे कैसे आए हैं, इसकी दो तीन लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे आना था तो उन्होंने जो है श्रीमती राधा रानी को बोला, चलो हे राधे तुम भी साथ में चलो लीला करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी ने बोली कि प्रभु जहाँ पे तीन चीज नहीं हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे तीन चीज होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? वहाँ पे गिरिराज होनी चाहिए, यमुना जी होनी चाहिए और वृंदावन धाम होना चाहिए। ये तीन चीज होगा तो हम जाएंगे। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, ये तीन चीज को मैं वही प्रकट करा देता हूँ। तो इसीलिए ये नंबर एक कारण कि भगवान ने यहाँ पे जो है श्रीमती राधा रानी को लाने के लिए, राधा रानी के साथ लीला करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी, यमुना और वृंदावन धाम को इस धरातल में प्रकट करा दिए। इसीलिए यहाँ पे गिरिराज जी है। और गिरिराज जी का मतलब असली ओरिजिनल फॉर्म बोल सकते हैं, ओरिजिनल स्वरूप जो है ऐसे बताए गए हैं 16 माइल ऊंचा लगभग 20-25 किलोमीटर ऊंचाई था गिरिराज। ऐसे बताया गया गिरिराज जी की छाया जो है मथुरा तक जाती थी, मथुरा भूमि तक। और ये गिरिराज जी का स्वरूप जो है एक मयूर के स्वरूप है, मयूर है ना, मयूर किस प्रकार से होता है ना, मयूर का गर्दन छोटा होता है, शरीर जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है, पूंछ जो लंबा होता है, ऐसे ये गिरिराज जी का जो है स्वरूप मयूर के पीकॉक के डिजाइन में है। उनकी आँख कौन सा है, आँख गिरिराज जी की आँख कहाँ है, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज जी की आँख है। गिरिराज जी की आँख जो है राधा कुंड श्याम कुंड बताया गया। और गिरिराज जी यहाँ पे आने का और भी एक कारण है, इस प्रकार से गिरिराज जी यहाँ पे आए हैं। तो गिरिराज जी भी एक व्यक्ति हैं। गिरिराज जी दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में उनके पिताजी का नाम क्या है कौन बता सकते हैं, पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, द्रोण के पुत्र है गिरिराज जी। गिरिराज जी से साधारण से पत्थर नहीं है, गिरिराज जी द्रोण के पुत्र हैं। और ये जो है दक्षिण भारत में थे, तो एक मुनि थे पुलस्त्य मुनि, पुलस्त्य मुनि ये जो है वाराणसी से थे। तो वाराणसी में कोई पहाड़ वगैरह नहीं था, कई सारे ऋषि मुनि थे, बनारस आज वाराणसी वाराणसी है, तो वहाँ पर पहाड़ वगैरह नहीं, बनारस में जो है वाराणसी पहाड़ बहुत ऋषि मुनि है। तो पुलस्त्य मुनि की इच्छा हुई कि हमारे जो है वाराणसी में भी कुछ पर्वत जो है पर्वत होता तो अच्छा होता, ऐसे उन्होंने इच्छा की। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जाकर द्रोण से निवेदन किया, द्रोण कि आपके पुत्र को जो है हमें दीजिए, अब कोई भी नहीं चाहते हैं कि अपने पुत्र को देना, लेकिन फिर भी अगर पुलस्त्य मुनि निवेदन करे तो मना नहीं कर पाए, ठीक है आप ले जाने की, एक शर्त है आप जहाँ पे भी रख देंगे, गिरिराज जी ने बोला, गोवर्धन ने बोला जहाँ पे भी रख देंगे फिर आप वहाँ से आगे नहीं बढ़े, कोई बात नहीं। फिर पुलस्त्य मुनि गिरिराज जी को द्रोण के पिताजी, गिरिराज जी के पिताजी द्रोण से मांग के लेके आए। तो लेके आ रहे थे तो ब्रज को पार करके जा रहे थे, ब्रज को पार करके कहाँ जा रहे थे, वाराणसी ब्रज को पार करते हुए जा रहे थे। तो गिरिराज जी को याद आया, ओ ये तो ब्रज है, ब्रज 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 तो मेरा असली स्थान है, तो मैं यही रोकना चाहता हूँ। तो गिरिराज जी ने ये सोचा कि मुझे ब्रज में रहना है, तो उन्होंने अपने आप को जो है बहुत भारी कर दिया, बहुत भारी कर दिया। और पुलस्त्य मुनि उठाते हुए ले जा रहे थे, बहुत भारी हो गया, तो उन्होंने सोचा भूल गया, उन्होंने उस शब्द को भूल गया, थोड़ी देर आप विश्राम कर लेंगे, उनको मत देखो, उनको कुछ भी मत करो। तो जब अपने आप को गिरिराज जी ने अपने वजन बढ़ा दिए, तो पुलस्त्य मुनि उस शब्द को भूल गए, उन्होंने ब्रज में रख दिया और रख के कुछ विश्राम करके जब उठाने जा रहे थे, तो गिरिराज जी नहीं उठ रहे थे, शर्त थी आप एक जगह पे रख दोगे तो मैं दोबारा नहीं उठूंगा। तो इसीलिए गिरिराज जी यहीं पे रह गए। उस समय पुलस्त्य मुनि थोड़ा सा अप्रसन्न हुए, उन्होंने गिरिराज जी को बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो प्रत्येक दिन जो है तो क्या हो जाएंगे, एक एक तिल के दाने
जितना एक एक दिन का लाना उतना तो ये भी एक लीला है गिरिराज जी की। ये एक कारण है गिरिराज जी ब्रज में आई, दो कारण मैंने बताया। पहला क्या है, राधा रानी के लिए उन्होंने गिरिराज जी को, यमुना को और वृंदावन को जाके प्रकट कराया। दूसरा पुलस्त्य मुनि। तीसरा और एक कारण है, तीसरा कारण ये है, जब त्रेता युग में प्रभु राम और बानर सेना सेतु बांध रहे थे, सेतु पोल बना रहे थे गंगा की ओर जाने के लिए, उस समय हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आ रहे थे। हनुमान जी जो है बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आ रहे थे, तो उन्होंने जो है ये कहाँ से उठा के लाया, अरुणाचल पर्वत। हनुमान जी जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हिमालय से ये बहुत बड़ा पत्थर पर्वत उठा के लेके आ रहे थे, गिरिराजी थे वो। जब उठा के लेके आ रहे थे तो ब्रज में पहुंचा तो हनुमान जी को सूचना मिली। क्या सूचना मिली, कि अभी सेतु जो है बन चुका है, अभी आपको और पत्थर लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हनुमान जी ने जो है गिरिराजी को छोड़ दिया। तो उस समय गिरिराजी थोड़ा असंतुष्ट हुए कि मैं तो प्रभु राम की सेवा में जा रहा था, मैं सेवा से वंचित हो गया। तो लेकिन भगवान जो उस समय बोले, गिरिराज जी चिंता मत करो, द्वापर युग में जो है मैं श्री कृष्ण बन के आऊंगा और तुम्हारे गिरिराज जी के ऊपर कई सारी लीलाएं करूंगा। इसीलिए भी गिरिराज जी यहाँ पे विराजमान है। गिरिराज महाराज की तीन कारण है। और श्रीमद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गिरिराज जी जो है हरिदास में से सर्वश्रेष्ठ हरि की नाम। और दूसरे स्थान में भगवान बोलते अश्मी, भगवान बोलते शीला मैं हूँ, शीला मैं। इसलिए गिरिराज जी जो है भक्त भी है और भगवान भी है, भगवान जी है, भगवान से अभिन्न है। और विशेष लीला ये हुई, आप सभी जानते हैं कि भगवान के माता पिता नंद यशोदा प्रत्येक साल क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, है ना, इंद्र की पूजा। लेकिन उस समय प्रभु ने बोला, भगवान ने कन्हैया ने, नहीं नहीं इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी हमें सब कुछ देते हैं, हरा भरा घास देते हैं, भरपूर इत्यादि प्रदान करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करो। तो उस समय नंद यशोदा बोलते हैं कि नहीं, ये तो बहुत साल से परंपरा से आप लोग कर रहे हैं, उसने कुछ समय पर भगवान ने बोला नहीं, आप गिरिराज जी की पूजा करो। तो ये भी एक मेरा हुई है। तो ये ब्रजवासी करने यहाँ पे पूजनीय ब्रजवासी है सभी। हरे कृष्ण, दो मिनट कथा कर लेते हैं। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो आपको ये बता रहे थे कि उस समय नंद यशोदा प्रत्येक साल परंपरा, ये परंपरा आती थी इंद्र की पूजा। आप आगे जाओगे तो ये भी लीला में आगे दर्शन होगा। तो उस समय उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ो, अभी गिरिराज की पूजा करो, है ना, गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन गिरिराज हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, गाय को चरने के लिए घास और ब्रजवास के लिए जो है फल फूल इत्यादि गिरिराज से प्राप्त, गिरिराज की पूजा करो। लेकिन नंद यशोदा, नहीं नहीं इंद्र नाराज हो जाएंगे, हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो भगवान के चित्त से जो है उन्होंने मतलब इंद्र की पूजा, उसी सामग्री को जो है प्रयोग करके गिरिराज जी की पूजा की, गिरिराज जी की सेवा की। तो अभी 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है, आप सभी जानते हैं, 1 तारीख को दीपावली है और 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है। तो उसी सामग्री से गिरिराज की पूजा की, तो इंद्र बहुत अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। तो इंद्र ने क्या किया, बहुत वर्षा, बहुत तेजी से मुश्तादर, ऐसे बताया गया बारिश जो है, बारिश के फूल जो है पिलर के समान थे, पिलर खंभे की तरह समर्थक, या समर्थक। तो Yes, yes. तो फिर उस समय जो है भगवान तो ब्रजवासी बोलने लगे, कृष्ण जी तो तुम्हारे वजह से हमने जो है गिरिराज की पूजा की, देखो परिणाम क्या हुआ, तेजी से वर्षा हुआ, क्या करो कुछ बचाओ। तो उस समय भगवान ने जो है
गिरिराज जी को धारण किए थे। गिरिराज महाराज की जय। अपने जो है बाएं हाथ से की जय, इस सबसे छोटी अंगुली से 7 दिन 7 रात उठाए थे गिरिराज जी को। ये लीला आप जानते हैं, सभी आपके बारंबार सुने हैं। और प्रथम परिक्रमा जो है कृष्ण बलराम और जो है नंद यशोदा ने किए थे। कई सारे ब्रजवासी भी थे और नंद यशोदा भी थे, प्रथम परिक्रमा किए थे, तो तब से ये परिक्रमा हो रही है। कई सारे भक्त बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे भी भक्त है गिरिराज जी में जिनमें 3 बार परिक्रमा करते हैं। 3 बार आगे जो है कुटीर है गोविंदपुर में। अभी भी एक बाबा ने शरीर भी छोड़ा है, श्याम सुंदर बाबा, अभी बस कुछ दिन पहले उन्होंने शरीर भी छोड़ा। यहाँ पे ऐसे भी संत है 2 बार 3 बार गर्मी में भी, आप जून जुलाई में आएंगे परिक्रमा करते हैं, ठंडी में आइए 3 बार परिक्रमा करते हैं, कोई 2 बार करते हैं, कोई 1 बार तो प्रत्येक दिन करते हैं। इस प्रकार से गिरिराज जी के आश्रय देखिए यहाँ पे कई सारे भक्त निवास करते हैं, क्योंकि गिरिराज जी जो है मैंने जैसे बताया हरिदास भी है और शैलोष भी, हरि भी है, दोनों ही 3 हरिदास बताया गया श्रीमद् भागवत में। 3 हरिदास में से एक है गिरिराज जी, एक युधिष्ठिर महाराज, ऐसे 3 हरिदास है। तो इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कार्तिक मास में, कार्तिक महीना में हमें गिरिराज जी का आश्रय मिला है। थोड़ा सा परेशान तो है, हम दूर से आए हैं, आने में 2-3 घंटा आगे परिक्रमा में, लेकिन जो है इसका मेहनत बहुत अच्छा होगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी हमें कहीं चलना है। आप सभी से निवेदन है कीर्तन के साथ ही चलिए। जय गिरिराज धरण के, श्री प्रभुपाद के।